तो हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप लोग? होप कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। और मैं सीए चंदन सिंह, मैं आप लोगों को अपने चैनल पे स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज से हम लोग सीएस एग्जीक्यूटिव के एफएम का रिवीजन स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है दोस्तों। और इस रिवीजन को हम लोग बहुत ही डिटेल में करेंगे। और एक चीज मैं आप लोगों को एश्योर कर देता हूँ फ्रेंड, एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं सबसे पहले कि देखिए, ये एक रिवीजन लेक्चर है। और ये जो नोट्स जो आपको मिल रहा है, ये नोट्स मेरे आप लोगों को, ये मेरे रेगुलर क्लास का है, ठीक है। तो इसी के थ्रू आप लोग रिवाइज करना है। नोट्स बहुत ही अच्छे से मैंने बनाया हुआ है, इसमें आपको कोई भी इशू नजर नहीं आएगा। और एक चीज मैं आपको बता दूं, इस नोट्स के बाहर एक सिंगल क्वेश्चन भी आप लोगों का मूव नहीं करेगा। आपके एग्जाम का एक सिंगल क्वेश्चन भी इस नोट से बाहर नहीं आने वाला है, ठीक है। और अगर जहां तक हो सकता है तो कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन मैं आप लोगों को कवर्ड कराते हुए चलूंगा। और दूसरी चीज दोस्तों, अगर इसके बाद आप लोग क्या करोगे, जस्ट ये लेक्चर देखने के बाद आप लोग अपने एमसीक्यू के क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करोगे। और जिस भी क्वेश्चन में आप लोगों को पर्टिकुलर कोई भी डाउट आए, तो वो डाउट आप लोग मेरे चैनल पे सेंड करें। तो देखो, अब चैनल तो मैं अभी यहां बता नहीं पाऊंगा, लेकिन हाँ, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम चैनल स्पेसिफिकली आप लोगों के लिए क्रिएट कर देता हूं, ठीक है। सीएस एग्जीक्यूटिव के लिए मैं उसमें एक टेलीग्राम का चैनल दोस्तों में जा रहा हूं क्रिएट करने, या फिर आप लोग कमेंट करके मुझे वीडियो में बताओ, कमेंट करके वीडियो में बताओ कि आप लोग व्हाट्सएप लिंक चाहते हो या टेलीग्राम का लिंक चाहते हो, इस वीडियो में कमेंट करके जरूर बताना। और मैं उसी, चाहे व्हाट्सएप हो चाहे टेलीग्राम, जो भी आप लोग सजेस्ट करोगे, मैं उस पे चैनल क्रिएट करके और मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। और आप लोग जाकर के वहां से उस चैनल के लिंक को सब्सक्राइब कर लेना। और उसी के अंदर में ये जो भी नोट्स आप लोगों को जो डिस्प्ले पर जो नोट्स दिख रहा है, ये नोट्स मैं डिस्प्ले में डाल दूंगा। और वहीं पर आप लोगों को जो भी डाउट हो, सारे डाउट आप लोग वहीं पर मेरे से पूछना, चाहे अकाउंट रिलेटेड हो, चाहे कोस्टिंग रिलेटेड हो, चाहे एफएम रिलेटेड या फिर टैक्स रिलेटेड, आपके सीएस एग्जीक्यूटिव से रिलेटेड, ठीक है। तो वहां पे मैं डाल दूंगा दोस्तों, और वहीं से आप लोग अपने सारे एमसीक्यू अपने सॉल्व करना। जो भी क्वेश्चन का डाउट आए, उसका जस्ट एक पिक लेकर के मेरे को सेंड कर देना, मैं आप लोगों को उसको सॉल्व करके आप लोगों को सेंड कर दूंगा, ठीक है। और हाँ, यहां पे मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है, तो आप लोग, ये एक आता है आपका, क्या नाम है बताता हूँ आप लोगों को, सुचिता प्रकाशन का एक स्कैनर आता है, तो आप लोग इस नोट्स के साथ में इस स्कैनर को बस सप्लीमेंट कर ले,
ये आपका मोर देन सफिशियंट होगा। यहां तक कि अगर आप लोगों ने पूरे ईमानदारी से पढ़ा तो 60 out of 60 भी आप लोग इसमें स्कोर कर सकते हो, जस्ट बिलीव मी, कोई मुश्किल टास्क नहीं है। और 50+ तो मेरे तरफ से गारंटी है ही, बशर्ते बस आप लोग अटेंटिव होकर के इस क्लास को सुनते चलो, ठीक है दोस्तों। और एक चीज और, अब यह आप लोग जान सकते ना, दिस इज ए प्रोफेशनल एग्जाम, ये आपका प्रोफेशनल एग्जाम है, तो यहाँ पर आप ये एक्सपेक्ट मत करना कि स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आएगा। हाँ, कॉन्सेप्ट में सारे कवर कराऊंगा हर एक चीज को, इसलिए आप लोग को ढंग से समझना है, लेकिन इंस्टीट्यूट का जो पूछने का जो क्राइटेरिया होता है ना, वो दूसरे एंगल से होता है। तो देखो, अब जो भी मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा उसी चैप्टर से रिलेटेड आप लोगों को एमसीक्यू भी मैं साथ ही साथ कराता चलूंगा, जो आपके पेपर में पूछा हुआ है, जो भी आपके पेपर में पूछा हुआ है उससे रिलेटेड मैं आप लोगों को एमसीक्यू भी करा दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए फिर हम लोग अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, और हाँ दोस्तों, जो पहला चैप्टर है आप लोगों के सीए सब्जेक्टों का, वो प्योर थ्योरी है, लेकिन उस चैप्टर को पहले बिल्कुल भी मत पढ़ना। वो सारा जो चैप्टर है, वो जितना भी आप शुरू से लेके एंड तक पढ़ोगे, सबका कंपाइलेशन है, तो चैप्टर वाइज वो ऑटोमेटिक कवर होता चला जाएगा। तो एंड में मैं आप लोगों को बता दूंगा कि आप लोगों का पहला चैप्टर कैसे कंप्लीट हुआ, आप लोगों को पता भी नहीं लगेगा। पर जिस सिक्वेंस में मैं कराता जा रहा हूँ, इसी सिक्वेंस में करते चलो, फेथ रखो मेरे ऊपर। और हाँ, नंबर अच्छे लाने के बाद कमेंट जरूर करके मुझे बताना कैसे नंबर आप लोगों के आए। तो देखिए दोस्तों, चलिए फिर हम लोग मूव करते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोग नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये लाइफ टाइम तक ऐसे ही चलता रहेगा रिवीजन, ये आप लोगों को मिलता रहेगा हर सेशन के लिए स्पेसिफिक रिवीजन। चलिए आइए, देखिए तो देखिए, वन सेकेंड, चलिए दोस्तों देखिए, जो आपका चैप्टर है फाइनेंस, जो आपका सब्जेक्ट है वो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो दोस्तों, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का इस सीएस एग्जेक्टिव के लिए क्या इंपॉर्टेंस है बताइए आप लोग, सीएस एग्जेक्टिव के लिए क्या इंपॉर्टेंस आप पढ़ी फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, जबकि जो सीएस लोग होते हैं वो तो अपने लॉ के लिए जाने जाते हैं, तो फिनांस का क्या जरूरत है आप पढ़ा। देखो दोस्तों, ये पहले की धारणाएं थी कि सीएस का जो रोल था वो खाली एक लीगल रिलेटेड ही था, लेकिन आज जिस तरीके से इंडस्ट्री दोस्तों एक्सपेंड हो रहा है, सीएस की रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है, आज जो सीएस है वो काफी करीबी है मैनेजिंग डायरेक्टर के, एक समझ गए, इन सीईओ के काफी करीब है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो टॉप लेवल की जो मैनेजमेंट होती है वो किसी और से पूछने के लिए नहीं जाएंगे, वो सबसे पहले आप लोगों से ही पूछेंगे। तो आप लोगों का जो रोल है वो आप लोग लोअर लेवल मैनेजमेंट और टॉप लेवल मैनेजमेंट में एक लेसन का आप लोग काम करते हो, तो यहाँ पे आप लोगों का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसीलिए आपको फिनांस का नॉलेज का होना भी उतना ही जरूरी है जितना कि लीगल नॉलेज आपको होना जरूरी है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे देखो, अब आप लोगों से कोई कोर नॉलेज तो एक्सपेक्ट नहीं की जाती है, लेकिन फिर भी कुछ बेसिक्स बातें आप लोगों को जरूर पता होना चाहिए जो जो आपके कंपनी से रिलेटेड है, और उसके बारे में आप लोग अपने टॉप लेवल मैनेजमेंट को गाइड कर पाओ, तो ठीक है। तो हम आज के सफर से दोस्तों यही हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, और आप देखते चलिए आप लोगों का फाइनेंस का बेस कितना स्ट्रॉन्ग बन जाता है, आइए देखते हैं। देखिए दोस्तों, तो ये पहला टॉपिक आज के लेक्चर का है, तो बिल्कुल बेसिक है, इसमें आप लोग सोचेगा मत ये कोई चैप्टर नहीं है, ये बिल्कुल बेसिक है। तो इसमें क्या है ना कि देखिए, अब वैसे तो रेशियो एनालिसिस आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन फिर भी क्या होता है ना कि ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो मैंने क्या किया है, कुछ मेजर जो रेशियो है उसी को इस बेसिक चैप्टर के अंदर इनकॉर्पोरेट किया है, और वही आप लोगों को देखना है। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। देखिए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट बताइए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्या मतलब आप समझते हो, इसका मतलब क्या होगा, मैनेजमेंट ऑफ फिनांस। क्या होता है दोस्तों, मैनेजमेंट ऑफ फिनांस, फिनांस का मैनेज करना। तो अगर फिनांस के मैनेज का मतलब अगर आप समझोगे, तो बिल्कुल बेसिक टर्म में आप क्या बोलोगे उसको आप लोग बोलोगे मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। तो देखो दोस्तों, ये हो गया, ठीक है। अब देखो, जो आपका फिनांस होता है वो दो ही, देखो जो भी फिनांस होता है ना आपका, चाहे 500 चैप्टर आप पढ़ लो, लेकिन उसका निचोड़ क्या निकलेगा, निचोड़ केवल दो ही निकलेगा, एक निकलता है अरेंजमेंट ऑफ फिनांस और दूसरा निकलता है अप्लीकेशन ऑफ फिनांस। एक अरेंजमेंट ऑफ फिनांस एंड नेक्स्ट इज दी अप्लीकेशन ऑफ द फिनांस। तो देखो, मैनेजमेंट ऑफ फिनांस में दो पार्ट इंपॉर्टेंट होती हैं, तो सोर्स ऑफ फिनांस और अप्लीकेशन ऑफ
फिनांस, एप्लीकेशन ऑफ फिनांस, ठीक है दोस्तों, सोर्सेस ऑफ फिनांस एंड एप्लीकेशन ऑफ फिनांस। तो सोर्स ऑफ फिनांस क्या है दोस्तों मैनेजमेंट ऑफ फिनांस में, ये दोस्तों यहां पे ये बताएगा कि आप लोग किस तरीके जो आपका जो फिनांस का जो कंपोनेंट होगा आपके कैपिटल स्ट्रक्चर में वो क्या होगा, वो डेट होने वाला है, इक्विटी होने वाला है या प्रेफरेंस होने वाला है, ठीक है, या फिर आप लोग पूरी तरीके से आउटसाइडर लोन पे डिपेंड हो, तो ये यहां पे आप लोगों को देखना है सोर्सेस ऑफ फिनांस में, इसका मैनेजमेंट करना। तो आप लोग मैनेजमेंट यहां पे किस तरीके से करोगे ताकि आपका मिनिमाइजेशन ऑफ फिनांस कॉस्ट, आपका फिनांस कॉस्ट क्या हो दोस्तों, बिल्कुल मिनिमम हो, बिल्कुल मिनिमम हो। तो आपको ऑप्टिमम मैनर में सोर्स ऑफ फिनांस डिसाइड करना होता है, और ऑप्टिमम मैनर होता लेवल वही लेवल होता है जहां पे आपका फिनांस कॉस्ट बहुत ही मिनिमम होता है। अब दूसरा जो इसका लेग है वो है एप्लीकेशन ऑफ फिनांस। तो एप्लीकेशन ऑफ फिनांस का मैनेजमेंट आप लोग क्या कैसे करोगे, तो एप्लीकेशन ऑफ फिनांस का मैनेजमेंट हमें इस तरीके से दोस्तों करना है कि जो भी आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है बिजनेस में उसके थ्रू रिटर्न आपका क्या हो, वो मैक्सिमाइज हो। देखो यहां पे तो आपका सोर्स आएगा, यहां पर आएगा ना सोर्स, और सोर्स के थ्रू आप लोग क्या करोगे, इसी सोर्स को एप्लीकेशन करोगे, इन्वेस्टमेंट करोगे। तो ये जो इन्वेस्टमेंट करोगे यहां पे जो इन्वेस्टमेंट करोगे, इस इन्वेस्टमेंट के थ्रू आपका रिटर्न क्या होना चाहिए, मैक्सिमाइज होना चाहिए, ठीक है। तो यही है आपका काम किसका, मैनेजमेंट ऑफ फिनांस का। होप सो क्लियर हुआ हो, हुआ क्लियर, बिल्कुल हुआ होगा। आइए आगे, अब देखिए फाइनेंशियल एनालिसिस एंड प्लानिंग। देखो ये बिल्कुल बेसिक टर्म है, आप लोगों को इसके बारे में पता भी होगा, लेकिन फिर भी एक बार आप लोग मेरे साथ साथ सुन लो, बहुत सी नई बातें आप लोगों को पता लगेंगी और ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि दोस्तों देखो यहां से ना एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखो फाइनेंशियल एनालिसिस एंड प्लानिंग। तो देखिए दोस्तों फाइनेंशियल एनालिसिस एंड प्लानिंग में दोस्तों क्या होता है, यहां पे हमें क्या, देखो फाइनेंस का एनालिसिस और प्लानिंग आप क्या करते हो, यहां पे जो आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होता है उसका इंटरप्रिटेशन करते हो और उसी का एनालिसिस करते हो। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या कंपोनेंट होते हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। तो देखिए फाइनेंशियल एनालिसिस एंड प्लानिंग में आप लोग क्या करते हो, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो यहां पे आप लोगों को फाइनेंशियल स्टेटमेंट का दोस्तों क्या करना होता है, एनालाइज करना होता है, एग्जांपल के तौर पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो देखिए दोस्तों ये जो पीएनएल जो है आपका, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मेनली क्या होगा, यहां पे आप लोग अपनी कंपनी का क्या जानोगे बता दो, आप लोग यहां पे प्रॉफिटेबिलिटी मेजर करते हो, यहां पे कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी मेजर करते हो, और बैलेंस शीट के अंदर आप लोग क्या करते हो, कंपनी का एफिशिएंसी मेजर करते हो, ठीक है। बैलेंस शीट में क्या करते हो दोस्तों, कंपनी का आप लोग एफिशिएंसी मेजर करते हो, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर देखिए क्यों करते हैं हम लोग एनालिसिस एंड प्लानिंग, फॉर बेटर मैनेजमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन। और ऐसा क्यों होता है, ताकि डिसीजन मेकिंग बेटर हो सके। अगर आप इंफॉर्मेशन का मैनेजमेंट बेटर तरीके से करोगे तो वो आपके बेटर डिसीजन मेकिंग में बहुत ही हेल्प करेगा, ठीक है ना। चलिए अब देखिए रेशियो एनालिसिस। तो रेशियो एनालिसिस में दोस्तों क्या होता है, ये दो या दो से ज्यादा आइटम के बीच के रिलेशनशिप को मेजर करता है। तो अगर किसी भी डेटा को अगर आप केवल अमाउंट के बेसिस पे देखने जाओगे तो 101% आप लोग मिसलीड हो जाओगे। लेकिन उसी का बेसिस बना करके अगर आप रेशियो के थ्रू अगर उसको प्रेजेंट करोगे तो इससे क्या होगा, आपका डिसीजन मेकिंग इंप्रूव होगा और रियल पिक्चर प्रेजेंट होगा, जिसको यूजर जो होंगे वो इजी तरीके से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो देखिए रेशियो की अगर हम बात करें तो क्या होता है, ये होता है एस्टिमेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। तो एस्टिमेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़िए,
देखिए एक डेटा हमने लिया है एक्स लिमिटेड वाई लिमिटेड। देखिए दोस्तों अगर हम बात करते हैं नेट प्रॉफिट का तो एक्स लिमिटेड का है रुपीज 2000 और वाई लिमिटेड का कितना है रुपीज 10,000। ठीक है, तो अगर हम केवल नेट प्रॉफिट के बेसिस पे देखें तो हमें क्या अपीयर होता है वाई लिमिटेड इज बेटर, वाई लिमिटेड बेटर परफॉर्म कर रहा है इन टर्म ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। लेकिन दोस्तों अगर आप ऐसे देखोगे तो ये रिजल्ट आपको बेटर बिल्कुल भी नहीं देगा। लेकिन आप ये तो देखो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है एक्स लिमिटेड में 10,000 और यहाँ पे कितना है 1,00,000, मतलब यहाँ पे कैपिटल हमने कितना इन्वेस्ट किया हुआ है 10,000 और यहाँ पे 1,00,000। तो अगर मैं परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट निकालूं इन रिलेशन टू कैपिटल एम्प्लॉयड की जो हमने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है उसके टर्म में नेट प्रॉफिट अगर हम देखें तो देखो पिक्चर तुरंत चेंज हो गया, एक्स लिमिटेड का 20% आ गया और वाई लिमिटेड का कितना आ गया 10%। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है कि एक्स लिमिटेड बेटर है। कैसे बेटर है कि इन्वेस्टमेंट के टर्म में एक्स लिमिटेड जो है वो बेटर अर्निंग कर रहा है। एक्स लिमिटेड क्या कर रहा है दोस्तों, एक्स लिमिटेड बेटर अर्निंग कर रहा है। ठीक है दोस्तों, एक सेकंड दोस्तों, चलिए कोई नहीं ऐसे कर लेंगे। चलिए देखिए ठीक है दोस्तों, आइए फिर देखो आगे बढ़ो। अब देखो अब अगर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एनालिसिस तो टाइप्स ऑफ एनालिसिस के बेसिस पे दोस्तों अगर बात करोगे तो यहां पे आता है इंटर फर्म एनालिसिस एंड इंट्रा फर्म एनालिसिस। ठीक है दोस्तों, इंटर फर्म एनालिसिस एंड इंट्रा फर्म एनालिसिस। ठीक है, देखो इंटर फर्म एनालिसिस की अगर आप लोग बात करोगे सिंपली, अगर आप लोग इंटर फर्म एनालिसिस की बात करोगे तो यहां पे क्या होगा, यहां पे होगा इन्वॉल्व कंपैरिजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ वन फर्म विद अदर फर्म। तो इंटर फर्म में क्या होता है, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कंपैरिजन आप दूसरे कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट से करते हो। तो यहां पर आप लोग ध्यान रखिएगा, कंपेरिजन जब भी करोगे तो सेम ईयर विल बी यूज। तो ईयर जो आपको यूज करना है दोस्तों वो सेम ईयर यूज करना है। उसके बाद आपका आता है इंट्रा फर्म एनालिसिस। तो इंट्रा फर्म एनालिसिस में क्या होता है, यहां पे अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कंपेरिजन आप लोग अपने ही फर्म के फाइनेंशियल स्टेटमेंट से करते हो, लेकिन यहां पे जो पीरियड होगा वो डिफरेंट हो जाएगा। तो देखिएगा इन्वॉल्व कंपेरिजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर डिफरेंट टाइम पीरियड ऑफ वन फर्म तो यहां पे आप लोग डिफरेंट ईयर यूज करोगे, लेकिन याद रखिएगा अकाउंटिंग पॉलिसी बिल्कुल सेम होगा। क्यों ऐसा, क्यों, क्योंकि देखो अगर अकाउंटिंग पॉलिसी आप लोग
डिफरेंट डिफरेंट यूज करोगे। अकाउंटिंग पॉलिसी अगर आप लोग डिफरेंट डिफरेंट दोस्तों हर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अगर आप यूज करोगे तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पिक्चर कभी भी सही से प्रेजेंट नहीं करेगा, वो हमेशा चेंज होता रहेगा। तो अब ये चेंज क्राइटेरिया होगा तो आप लोग कैसे चेंज करोगे सोच के देखो। एक बार आप लोग एक फाइनेंशियल ईयर में आप लोग डेप्रिसिएशन का SLM लेके चलो और दूसरे फाइनेंशियल ईयर में डेप्रिसिएशन का WDV मेथड लेके चलो, तो बताओ इन दोनों फाइनेंशियल स्टेटमेंट का आपस में क्या कंपैरिजन है? कोई कंपैरिजन? कोई कंपैरिजन नहीं है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अगर आप लोग SLM फॉलो कर रहे हो तो आपको दोनों ही ईयर में SLM ही फॉलो करना होगा, और अगर आप लोग WDV फॉलो कर रहे हो तो दोनों ही ईयर में आप लोगों को दोस्तों WDV ही फॉलो करना पड़ेगा, इसको आप लोग भूल नहीं सकते। ठीक है, ठीक है फ्रेंड, आगे देखिए। टेक्निक्स ऑफ एनालिसिस, एनालिसिस के आपके दोस्तों टेक्निक्स क्या होती हैं? तो देखो एनालिसिस की जो आपकी टेक्निक्स हैं वो बस क्या हैं, अलग अलग रेशियो। तो देखो यहां पे हम लोग रेशियो का एनालिसिस करते हैं, कैश फ्लो एंड फंड फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं, कॉमन साइज स्टेटमेंट आप लोग बनाते हो, आप लोगों को सब पता होगा, ट्रेंड एनालिसिस। अब ट्रेंड एनालिसिस आप लोग ध्यान रखिएगा, ट्रेंड हम कब बोलेंगे, या तो इंक्रीज हो या डिक्रीज हो। अब एक पीरियड में स्टेबल रहा, एक पीरियड में इंक्रीज, एक में डिक्रीज, तो इसको हम लोग ट्रेंड नहीं बोलते। और वैल्यू एडेड स्टेटमेंट, ठीक है, तो ये आपके कुछ टेक्निक्स होते हैं, पेपर के लिए उतना रेलिवेंट नहीं है। हाँ, अब यहां पर देखिए टाइप्स ऑफ रेशियो, टाइप्स ऑफ रेशियो के बारे में अगर हम बात करें तो दोस्तों टाइप्स में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा होगा सोच के देखो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो, एफिशिएंसी रेशियो, स्टेबिलिटी रेशियो या सॉल्वेंसी रेशियो। लेकिन मैं आप लोगों को ये सारे रेशियो कराने नहीं जा रहा, मैं इसमें से कुछ मेजर रेशियो कराऊंगा, क्योंकि ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। हाँ, उसका ओवरव्यू मैं जरूर आपको दे दूंगा। देखो जैसे कि ये लिक्विडिटी की अगर मैं बात करूं, देखो दोस्तों ये जो लिक्विडिटी रेशियो, लिक्विड जैसे मैं यहाँ पे लिक्विडिटी बता रहा हूँ, बाकी तो हम पढ़ ही लेंगे। लिक्विडिटी रेशियो की अगर हम बात करें तो लिक्विडिटी रेशियो आपको क्या बताएगा, लिक्विडिटी रेशियो बताता है आपका कंपनी का कैपेबिलिटी टू पे इट्स शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी, कंपनी का कैपेबिलिटी टू पे इट्स शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी। और इसमें कौन कौन से रेशियो आप लोग यूज करते हो, करंट रेशियो, करंट रेशियो क्या होता है, करंट एसेट अपॉन में करंट लाइबिलिटी, और आप लोग यूज करते हो लिक्विड रेशियो, तो लिक्विड रेशियो क्या होता है, लिक्विड एसेट अपॉन में करंट लाइबिलिटी, लिक्विड एसेट अपॉन में करंट लाइबिलिटी, ठीक है। और करंट रेशियो का आइडियल रेशियो क्या होता है, 2:1। लेकिन जानते हो मजे की बात, अगर आप बैंकों की बात करोगे तो 2 नहीं होता, 1.5 होता है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो अब देखो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो दोस्तों क्या बताएगा, ये आपके प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को क्या करेगा, एक्सप्लेन करेगा। तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो एक्सप्लेन, क्या एक्सप्लेन करता है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो एक्सप्लेन करेगा आपके ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी को, ठीक है। अब देखिए ये आपके दो टाइप के होते हैं, ये कितने टाइप के होते हैं दोस्तों, टू टाइप्स के। तो देखो एक होता है आपका इन रिलेशन टू सेल, तो अगर सेल की बात करोगे तो बिल्कुल सिंपल, नेट प्रॉफिट इनटू में अपॉन में सेल इनटू में 100। और इसका तो मतलब बताने के मेरे को कोई पर्पज बनता है क्या, बताओ, हायर होगा जितना उतना ही बेटर होगा। और अगर बात करोगे इन रिलेशन टू कैपिटल एम्प्लॉयड तो क्या होगा, रिटर्न अपॉन में कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू में 100, क्या होगा दोस्तों, रिटर्न इनटू में कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू में 100, ठीक है। अब देखो एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग देख लेते हैं, एक एग्जांपल यहां पे सप्लीमेंट करते हैं, इसी के थ्रू बहुत सारे एग्जांपल देखो, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस हमारा बना हुआ है, ये आपका सेल है 30,000 का, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, रॉ मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, और ये क्या है, जो भी कुछ अदर एक्सपेंस हो, तो ये है आपका टोटल कितना, 1,000, ठीक है।
डायरेक्ट एक्सपेंस होगा वैसे ये, चलो कोई बात नहीं। जीपी, जीपी की अगर बात करोगे तो कितना है 2000, यहां पे आप लोग डी कर लीजिएगा, डीई यहां पे डी कर लीजिएगा। फिर देखिए जीपी कितना हुआ 2000 का जीपी आ गया आपका। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस 500, सेलिंग एक्सपेंस 300, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपका कितना आ गया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपका आ गया दोस्तों 1200। अब इसके अंदर आप लोग प्लस माइनस क्या करोगे, नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड लॉस, तो ये कितना आता है 200 आ गया आपका नेट प्रॉफिट। अब देखिए आप लोग इन रिलेशन टू सेल, अब हम ना इस क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं। देखो इन रिलेशन टू सेल की अगर बात करोगे तो इन रिलेशन टू सेल के बेसिस पे दोस्तों आपको क्या होता है जीपी रेशियो, तो जीपी के बाद में क्या करोगे जीपी अपॉन में सेल्स। पहला रेशियो क्या होता है ग्रोस प्रॉफिट अपॉन में सेल, आपका ग्रोस प्रॉफिट है कितने का 2000 का और सेल है कितने का 3000 का, इससे आप लोग डिवाइड करो ये आ गया 66.67%। अगर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की अगर बात करोगे तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अपॉन में सेल, तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना है 1000 और ये सेल कितना है 3000, तो ये आ गया आपका 33.33%। फिर आपका आता है रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड रेशियो, तो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड भी किसके बेसिस पे सेल्स रेशियो के बेसिस पे ही, तो यहां पे क्या करोगे आप लोग रॉ मटेरियल अपॉन में सेल इनटू में 100, तो ये आ गया 450 अपॉन में 3000 इनटू में 100। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो की अगर बात करोगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन में सेल, कहने का मतलब यह हुआ कि जो आपने सेल किया है उसमें आपके ऑपरेशन का क्या प्रॉफिट है, ऑपरेशन के थ्रू आप लोगों ने क्या प्रॉफिट कमाया है, मतलब जो बिजनेस आपका जिस प्रोडक्ट में आप लोग डील करते हो उसके थ्रू क्या अर्निंग आई है आप लोगों की, यह आपका बताएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो 1200 अपॉन में 3000 आ गया आपका 40%। अब अगर बात करोगे आप लोग ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशियो की, ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशियो की अगर बात करोगे दोस्तों तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशियो क्या होता है, वो होता है एडमिनिस्ट्रेशन प्लस सेलिंग अपॉन में सेल इनटू में 100, एडमिनिस्ट्रेशन प्लस सेलिंग अपॉन में सेल्स इनटू में 100। देखिए एडमिनिस्ट्रेशन आपका 500 था, सेलिंग 300 और सेल 3000, ये आप लोग निकाल लीजिएगा। फिर देखिए ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो या ऑपरेटिंग रेशियो, देखो ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशियो क्या है एडमिनिस्ट्रेशन प्लस में सेलिंग, तो देखो ये जितने भी एक्सपेंस रेशियो हैं ये जितना कम हो उतना ही आपके कंपनी के लिए क्या होना चाहिए बेटर होगा, उतना ही आपके कंपनी के लिए बेटर होगा। तो देखो ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो और ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो ऑपरेटिंग रेशियो, यहां देखिए अगर ऑपरेटिंग रेशियो की आप बात करोगे तो यहां पे क्या होगा जितना भी ऑपरेटिंग खर्चे यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस एडमिनिस्ट्रेशन प्लस सेलिंग, तो देखो अगर ऑपरेट करना है बिजनेस को तो यहां पे केवल ऑपरेशन का ही कॉस्ट, और यहां पे बात करते हैं रिटर्न, सबसे पहले कैपिटल की बात करो, देखो इक्विटी कितना है 400, रिजर्वेशन सरप्लस 200, यहां से मिसलेनियस एक्सपेंस 100 आप लोग क्या करोगे बाहर करोगे तो ये आपका क्या बनेगा इक्विटी शेयर होल्डर फंड कितना बनेगा दोस्तों 500, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 200, तो ये आपका आ गया शेयर होल्डर फंड कितना आ गया 700, 700 का आपका क्या आ गया शेयर होल्डर फंड। उसके बाद दोस्तों आपका आता है टोटल कैपिटल अवेलेबल, टोटल कैपिटल अवेलेबल तो ये कितना आया 1000, और इसमें से आप लोग बाहर करोगे नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट ये कितना आ गया 100, और ये आपका आ गया कैपिटल एम्प्लॉयड। देखो दोस्तों बात ये आती है कि नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को आप लोगों ने बाहर क्यों किया, यहां पे मेजर बात यह है कि नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को आप लोगों ने बाहर क्यों किया, देखो क्योंकि नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट जो होता है ना ये आपके ऑपरेशन से रिलेटेड दोस्तों नहीं होता है, ये आपके ऑपरेशन से रिलेटेड नहीं होता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं होता है, इसलिए आप लोग क्या करोगे नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को आप लोग बाहर कर दोगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों का कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा, और रिटर्न की अगर बात करोगे तो यहां पे आपका आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट 300 का, इसमें ऐड करोगे नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट यानी कि 10, ये आ गया आपका पीबीआईटी, माइनस करोगे इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन 30, तो आपका आएगा पीबीटी यानी कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 280, और यहां से फिर टैक्स 30% आप बाहर करोगे
30% का टैक्स बाहर करोगे तो 84 बाहर होगा, आपका पैट आएगा 196 का। ये आपका क्या आ गया दोस्तों, यह आपका आ गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। फिर यहां से आप लोग बाहर करोगे प्रेफरेंस डिविडेंड, प्रेफरेंस डिविडेंड तो प्रेफरेंस डिविडेंड कितना होगा 24 माइनस होगा, तो ये आपका आ गया अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर यानी कि 172। ठीक है दोस्तों, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर कितना आ गया 172। अब देखिए अगर आप लोग शेयर होल्डर फंड की बात करोगे तो शेयर होल्डर फंड आपका नेटवर्थ या नेट एसेट या प्रोप्राइटर फंड या ओनर फंड के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, तो अगर बिफोर टैक्स की बात करोगे तो आप लोग कैसे करोगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन में कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है ना। अगर बिफोर टैक्स की बात करोगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बटे में कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू में 100, 100 से मल्टीप्लाई करोगे। रिटर्न ऑन शेयर होल्डर फंड, रिटर्न ऑन शेयर होल्डर फंड, तो शेयर होल्डर फंड के ऊपर दोस्तों रिटर्न क्या होगी, कैसे निकालोगे आप लोग, पैट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन में शेयर होल्डर फंड इंटू में 100, ठीक है। और रिटर्न ऑन, ठीक है ना, ये शेयर होल्डर फंड की बात हो रही है। तो देखो शेयर होल्डर फंड के अंदर इक्विटी वाले भी आते हैं और प्रेफरेंस भी आते हैं, लेकिन अगर मुझे स्पेसिफिकली अगर इक्विटी का निकालना है, रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर फंड निकालना है, तो कैसे निकालोगे आप लोग, पैट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड, ठीक है, पैट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन में इक्विटी शेयर होल्डर फंड, ठीक है दोस्तों, पैट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन में इक्विटी शेयर होल्डर फंड इंटू में 100, ठीक है। और अर्निंग ईपीएस की अगर बात करोगे, अर्निंग पर शेयर की, तो ये है आपका अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी अपॉन में नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, ठीक है, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी एंड नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। फिर देखिए दोस्तों ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, मार्केट यील्ड रेशियो या अर्निंग यील्ड रेशियो, मार्केट यील्ड रेशियो या अर्निंग यील्ड रेशियो। तो देखो दोस्तों जो भी यील्ड आप लोगों से पूछा जाएगा, यील्ड रेशियो जब भी आपसे निकलवा जाएगा, तो वो हमेशा याद रखिएगा एमपी के बेसिस पे होगा, वो मार्केट प्राइस पर शेयर के बेसिस पे ही होगा। तो देखिए ये क्या होता है, ईपीएस अपॉन में एमपीएस इंटू में 100, तो ये रेशियो आपको क्या बताएगा, मार्केट यील्ड रेशियो, अर्निंग यील्ड रेशियो आपको क्या बताएगा, ये आपको ये बताएगा कि जो भी इक्विटी शेयर होल्डर को अर्निंग हो रही है, अर्निंग हो रही है, वो मार्केट प्राइस के कंपैरिजन में कितनी हो रही है। तो मार्केट प्राइस के टर्म में, मार्केट वैल्यू के टर्म में क्या अर्निंग आप जनरेट कर रहे हो, तो ये आपका बताएगा मार्केट यील्ड रेशियो। तो यहां पे ध्यान रखिएगा ये रेशियो जितना हायर होगा उतना ही बेटर होगा, तो हायर इज बेटर, ठीक है। फिर हम बात करेंगे पी रेशियो, प्राइज अर्निंग रेशियो, तो प्राइज अर्निंग कैसे आप निकालते हो, मार्केट प्राइज अपॉन में अर्निंग पर शेयर, अर्निंग पर शेयर। तो देखिए पी रेशियो क्या बताता है, पी रेशियो आपका बताता है, पी रेशियो इंडिकेट द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड फॉर रिटर्न ऑफ रुपीज 1 पर एनम। ये क्या बताता है कि हमें कितना पैसा मार्केट में लगाना है 1 रुपए के रिटर्न को अर्न करने के लिए, ठीक है, कि हमने कितना पैसा मार्केट में लगाना है 1 रुपए के रिटर्न को अर्न करने के लिए। आप लोग याद रखिएगा ये जो पी रेशियो है ये इक्विटी वालों का रिस्क परसेप्शन को भी डिफाइन करता है, ये इक्विटी के दोस्तों रिस्क परसेप्शन को भी क्या करता है, रिस्क परसेप्शन को भी क्या करता है दोस्तों, डिफाइन करता है। तो ये आप लोगों को ध्यान देना है, ठीक है ना, रहेगा याद आप लोगों को। ठीक है दोस्तों, चलिए ठीक है ना। तो देखिए ये जो पी रेशियो होगा ये जितना कम होगा उतना ही सिचुएशन बेटर होगा। अब कारण तो दोस्तों पता है ना, अगर मार्केट में मान के चलो ज्यादा प्राइस पे आप शेयर खरीदोगे और अर्निंग कम आए तो क्या फायदा,
तो इसी चीज को चेक करने के लिए तो हम यूज करते हैं पी रेशियो। तो ये पी रेशियो जितना लोअर होगा आपके आपके लिए सिचुएशन उतना ही बेटर होगा। फिर देखिए डीपीएस, डीपीएस यानी कि डिविडेंड पर शेयर, डीपीएस डिविडेंड पर शेयर। तो डिविडेंड पर शेयर क्या होता है? डिविडेंड डिक्लेयर्ड अपॉन में नंबर ऑफ शेयर्स, डिविडेंड डिक्लेयर्ड, डिविडेंड डिक्लेयर्ड अपॉन में नंबर ऑफ शेयर्स। और अगर आप बात करोगे डिविडेंड यील्ड रेशियो, अगर आप लोग बात करोगे डिविडेंड यील्ड रेशियो की, ये आप लोग याद रखिएगा डिविडेंड पर शेयर अपॉन में मार्केट प्राइस। तो ये आपका क्या होता है? ये होता है डिविडेंड पर शेयर अपॉन में मार्केट प्राइस। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर हम बात करते हैं डिविडेंड पे आउट रेशियो। क्या हो आया दोस्तों? डिविडेंड पे आउट रेशियो। तो डिविडेंड पे आउट रेशियो क्या होता है? ईपीएस अपॉन में ईपीएस इनटू में 100, यानी कि डिविडेंड पर शेयर को आप लोग क्या डिवाइड करोगे? अर्निंग पर शेयर से डिवाइड कर दोगे और 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आपका क्या निकल आएगा? डिविडेंड पे आउट रेशियो निकल आएगा। और प्रॉफिट रिटेंशन रेशियो की अगर बात करोगे तो 100% माइनस में डिविडेंड पे आउट रेशियो। तो ये आप लोग याद रखिएगा, प्रॉफिट आप लोग अगर रिटेन करोगे तो ये आप लोगों के कंपनी के ग्रोथ को दिखाएगा, लेकिन कितना रिटेन करना है और डिविडेंड कितना पे करना है इसके लिए एक स्पेसिफिक चैप्टर आपका बना हुआ है ना, जिसका नाम है डिविडेंड पॉलिसी। तो वहां पे तो हम लोग पूरे डिटेल में पढ़ेंगे ही। तो चलिए देखिए यहां पे क्या होगा, हायर द प्रॉफिट रिटेंशन रेशियो इंडिकेट फ्यूचर ग्रोथ। तो अगर आपका प्रॉफिट रिटेंशन रेशियो हायर होगा तो ये आपके फ्यूचर के ग्रोथ को शो करता है। ठीक है, अब आपका आता है कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो। कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो मतलब आपने अपने फर्म में जो भी कैपिटल का पार्ट आप लोगों ने बनाया हुआ है, जो भी कैपिटल का आपका सोर्स है, उसका रेशियो में देखना है कि अब एक्चुअली में देखो कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो में क्या शो किया दिखाया जाता है। कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो में दोस्तों मेनली हम लोग फाइनेंशियल रिस्क को मेजर करते हैं। याद रखिएगा आप लोग, कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो के अंदर हम लोग दोस्तों फाइनेंशियल रिस्क को मेजर करते हैं। तो देखिए दीज रेशियो प्रोवाइड इनसाइट इनटू द फाइनेंसिंग टेक्निक यूज बाय बिजनेस एंड फोकस ऑन कंसिक्वेंस ऑफ लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी पोजिशन एंड फोकस ऑन कंसिक्वेंस ऑफ लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी पोजिशन। ठीक है ना, तो लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी पोजिशन को शो करेगा कि कितना आसानी से आप लोग पे कर पाते हो। तो यहां पे ध्यान रखिएगा, अगर डेट का कंपोनेंट ज्यादा होगा तो आपका फाइनेंशियल रिस्क भी उतना ही ज्यादा होगा, क्योंकि कंपनी कभी भी अगर अनसर्टेन सिचुएशन में अगर दोस्तों पहुंच गई तो वहां पे रिस्क फैक्टर उतना ही इंक्रीज हो जाएगा इक्विटी वालों के लिए। तो देखिए वेरियस कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो, सबसे पहला आपका आता है इक्विटी रेशियो। क्या आता है? इक्विटी रेशियो। तो शेयर होल्डर इक्विटी अपॉन में कैपिटल एम्प्लॉयड। तो ये इक्विटी रेशियो आपको क्या बताएगा? इक्विटी रेशियो दोस्तों ये बताएगा कि आपके जो कैपिटल का पार्ट है उसमें इक्विटी वालों का कितना प्रोपोर्शन है। तो देखो दिस रेशियो इंडिकेट प्रोपोर्शन ऑफ ओनर फंड टू टोटल फंड इन्वेस्टेड इन द बिजनेस, कि बिजनेस के अंदर जो टोटल फंड हमने इन्वेस्ट किया है उसके अंदर इक्विटी वालों का कितना प्रोपोर्शन है, इक्विटी वालों का कितना प्रोपोर्शन है। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, हायर द रेशियो लोअर द रिस्क, हायर द रेशियो लोअर द रिस्क। तो यहां पे रेशियो दोस्तों हायर होना चाहिए और रिस्क क्या होना चाहिए? रिस्क दोस्तों क्या होना चाहिए? लोअर होना चाहिए। रिस्क क्या होना चाहिए? लोअर होना चाहिए। अब अगर बात करोगे आप लोग डेट रेशियो की, अगर डेट रेशियो की बात करोगे तो टोटल आउटसाइड लाइबिलिटी अपॉन में टोटल डेट प्लस नेट वर्थ। ठीक है ना, टोटल आउटसाइड लाइबिलिटी अपॉन में टोटल डेट प्लस नेटवर्थ, या फिर टोटल डेट अपॉन में नेट एसेट, टोटल डेट अपॉन में नेट एसेट। तो देखिए टोटल डेट के अंदर आपका इंक्लूड क्या होगा? शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। तो इसके अंदर शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी दोनों ही इंक्लूड होंगे डेट रेशियो के अंदर। तो देखिए दोस्तों ये जो रेशियो होती है ये यूज की जाती है एनालाइज करने के लिए, किसको?
लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी ऑफ दी फर्म, लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी ऑफ फर्म को मेजर करने के लिए रेशियो दोस्तों एनालाइज किया जाता है। याद रखिएगा ये जो डेट रेशियो है ये जितना कम होगा उतना ही बेटर होगा, उतना ही बेटर होगा, ये मैक्सिमम बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। बैंक वाले जब आपको लोन प्रोवाइड करते हैं तो डेट इक्विटी रेशियो को कम लेके ही चलते हैं। आगे देखिए डेट टू टोटल एसेट रेशियो, डेट टू टोटल एसेट रेशियो, तो देखो ये जो डेट टू टोटल एसेट रेशियो ये क्या बताएगा, ये आपका ये बताएगा कि जो भी आपके कंपनी में टोटल एसेट है उसमें डेट का कितना कंपोनेंट है, उसमें डेट का इन्वेस्टमेंट कितना है। तो यहां पे डेट का इन्वेस्टमेंट अगर टोटल एसेट में ज्यादा होगा तो इक्विटी वालों के लिए मोर रिस्की होगा, यहां पे फाइनेंशियल रिस्क आपका ज्यादा इंक्रीज होगा। तो देखिए दिस रेशियो मेजर प्रोपोर्शन ऑफ टोटल एसेट फिनांस विद टोटल डेट एंड देयरफॉर एक्सटेंट ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज। तो ये रेशियो क्या मेजर करेगा, ये रेशियो मेजर करेगा आपका प्रोपोर्शन ऑफ टोटल एसेट फिनांस विद टोटल डेट एंड देयरफॉर एक्सटेंट ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज। ठीक है, सिंपल, यहां पर याद रखिएगा ये रेशियो आपका क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, जितना कम होगा उतना ही बेटर होगा, रिस्क आपका कम होगा, फाइनेंशियल रिस्क। फिर देखिए अब एक इंपॉर्टेंट रेशियो आपका आता है कैपिटल गियरिंग रेशियो, कैपिटल गियरिंग रेशियो। देखो कैपिटल गियरिंग रेशियो क्यों निकाला जाता है, कैपिटल गियरिंग रेशियो हम इसलिए निकालते हैं ताकि कंपनी के फाइनेंशियल रिस्क को हम लोग मेजर कर पाए, कंपनी के फाइनेंशियल रिस्क को मेजर कर पाए। मतलब यहां पर हम लोग ये चेक करते हैं कि जो कंपनी है वो गियर्ड कितनी है, कंपनी कितनी गियर्ड है, ठीक है, गियर्ड का उसमें एक्सटेंट क्या है कंपनी के अंदर। देखो इसमें हम लोग क्या बेस लेते हैं, रेफरेंस कैपिटल, डिबेंचर प्लस अदर बोरोड फंड, रेफरेंस कैपिटल प्लस डिबेंचर प्लस अदर बोरोड फंड, ठीक है, और डिवाइड कैसे करोगे, इक्विटी कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस माइनस लॉसेस, इक्विटी कैपिटल प्लस, इक्विटी कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस माइनस में लॉसेस, इसको आप लोग माइनस करोगे। तो यहां पे अब ये जो कैपिटल गियरिंग रेशियो है ये क्या बताएगा, ये आपका बताएगा एक्सटेंट ऑफ डेट इन योर कंपनी। याद रखिएगा जब डेट का एक्सटेंट ज्यादा होगा तो आपके कंपनी का फाइनेंशियल रिस्क उतना ही इंक्रीज होगा, और फाइनेंशियल रिस्क जब इंक्रीज होगा तो कंपनी का शेयर का प्राइस भी डाउन जाएगा। तो यहां पर देखो कैपिटल गियरिंग रेशियो से कुछ बातें, अगर कैपिटल गियरिंग रेशियो ग्रेटर देन वन हो, कैपिटल गियरिंग रेशियो अगर ग्रेटर देन वन हो तो इसका मतलब होगा ये आपकी कंपनी के लिए, कंपनी का जो रिस्क है वो वेरी हाई है, कंपनी का रिस्क बहुत ही ज्यादा है। लेकिन अगर कैपिटल गियरिंग रेशियो 0.5 से 1 तक होता है, 0.5 से 1 तक होता है तो ये सिचुएशन होता है हाई रिस्क, हाई रिस्क का। और अगर आपका कैपिटल गियरिंग रेशियो 0.25 से 0.50 तक अगर होता है तो ये होता है ऑप्टिमल फॉर स्टेबल कंपनी। और मजे की बात ये है कि बैंक वाले भी यही चेक करते हैं सीजीआर 0.25 से 0.50 तक ही। और अगर आपका कैपिटल गियरिंग रेशियो 0.25 से कम है तो ये काफी लो रिस्क माना जाता है, तो इन्वेस्टर जो होते हैं यहां पे ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। तो यहां पे याद रखिएगा जितना कैपिटल गियरिंग रेशियो कम होगा जो आपका इक्विटी होगा इक्विटी वालों के लिए उतना ही बेनिफिशियल होगा। इसका मतलब क्या होगा कि फाइनेंशियल रिस्क बहुत ही कम है, और फाइनेंशियल रिस्क अगर कम होगा तो इसका मतलब ये होगा कि उनका जो रिटर्न होगा मार्केट में वो मैक्सिमाइज होगा। तो अगर अनसर्टेन सिचुएशन, मान के चलो लॉन्ग टर्म में अगर कंपनी में अगर कुछ डिफ्लेशन सिचुएशन भी अगर आता है, कंपनी का मार्केट वैल्यू अगर डाउन भी जाती है तो उस केस में आप लोग याद रखिएगा यहां पर रिस्क बहुत ही कम होगा। तो इसलिए हम लोग मेजर करते हैं कैपिटल गियरिंग रेशियो को। अब आगे बात करते हैं प्रोप्राइटरी रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो। तो प्रोप्राइटरी रेशियो क्या होता है, प्रोप्राइटरी फंड अपोन में टोटल एसेट, प्रोप्राइटरी फंड अपोन में, प्रोप्राइटरी फंड अपोन में टोटल एसेट, प्रोप्राइटरी फंड अपोन में टोटल एसेट। तो देखिए प्रोप्राइटरी फंड आप लोग कैसे निकालते हो, प्रोप्राइटरी फंड आप लोग कैसे निकालते हो, इक्विटी कैपिटल प्लस प्रेफरेंस कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है दोस्तों, तो प्रोप्राइटरी रेशियो में प्रोप्राइटरी फंड अपॉन में टोटल एसेट। तो देखिए प्रोप्राइटरी फंड, इक्विटी कैपिटल
प्लस प्रेफरेंस कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। और याद रखिएगा ये आप लोगों का एमसीक्यू है, तो एमसीक्यू में कुछ भी पूछ सकता है, तो आप लोग यहाँ पे ढिलाई नहीं बरत सकते, आप लोगों को बिल्कुल कॉन्शियस रहना है, ठीक है ना, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो प्रॉपर्टी फंड, ठीक है, देखिए टोटल एसेट में क्या करोगे आप लोग, फिक्टिशियस एसेट और लॉसेस को एक्सक्लूड करोगे, और ये रेशियो आपको क्या बताएगा, दिस रेशियो इंडिकेट प्रोपोर्शन ऑफ टोटल एसेट फिनांस बाय शेयर होल्डर, शेयर होल्डर, ठीक है। तो यहाँ पे ये बताएगा कि जो टोटल एसेट है उसमें शेयर होल्डर ने कितना फिनांस किया है, शेयर होल्डर्स ने कितना उसमें दोस्तों फिनांस किया है, यह आपका कौन बताएगा, यह आपका बताएगा प्रोप्राइटरी रेशियो। फिर देखिए अब आपका आता है कवरेज रेशियो, देखो दोबारा देख लो, प्रोप्राइटरी रेशियो में प्रोप्राइटरी फंड अपॉन में टोटल एसेट, चलो कवरेज रेशियो, अगर कवरेज रेशियो की बात करोगे तो कवरेज रेशियो क्या होता है बता दो जल्दी से, क्या होगा कवरेज रेशियो, ये आपकी जो फिक्स लाइबिलिटी होती है ना कंपनी में, उस फिक्स लाइबिलिटी को पे करने की एबिलिटी, फिक्स लाइबिलिटी को पे करने की एबिलिटी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, कवरेज रेशियो बोलते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। तो देखो कवरेज रेशियो मेजर दी फर्म एबिलिटी टू सर्विस दी फिक्स लाइबिलिटी, ठीक है फ्रेंड। तो कवरेज रेशियो मेजर दी फर्म एबिलिटी टू सर्विस दी फिक्स लाइबिलिटी, ठीक है। देखिए अब इसके अंदर जो बहुत ही सर्विस कवरेज रेशियो, डेट सर्विस कवरेज रेशियो, अब देखो एक बार आपको और बता दूं, आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है ये रेशियो, लेकिन मैंने पेपर में देखा ये लोग पूछ रहे हैं, इसीलिए आप लोगों को मैं कुछ छाटे हुए कुछ अच्छे से जो रेशियो जिसकी प्रोबेबिलिटी आप लोगों के पेपर में आने की, उसको मैं आप लोगों के लिए यहां पे करा रहा हूं, तो इसको आप लोग ध्यान से कर लीजिए। अब देखिए ये रेशियो जो है ना डेट सर्विस कवरेज रेशियो, इसमें बहुत से लोग परेशान रहते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, डेट सर्विस कवरेज रेशियो में क्या है, इसका मतलब ये है कि आपकी अर्निंग क्या है उतनी जिससे कि आप लोग डेट वालों को पे ऑफ कर पाओ। तो देखो लेंडर आर इंटरेस्टेड इन डेट सर्विस कवरेज रेशियो, जो लेंडर जो इंटरेस्टेड होते हैं दोस्तों वो आपके डेट सर्विस कवरेज रेशियो में इंटरेस्टेड होते हैं, टू जज द फर्म एबिलिटी टू पे ऑफ करंट इंटरेस्ट एंड इंस्टॉलमेंट, ठीक है, टू पे ऑफ करंट इंटरेस्ट एंड इंस्टॉलमेंट, ठीक है फ्रेंड। फिर देखिए अब आता है, और तो इसको आप निकालते कैसे हो, अर्निंग अवेलेबल फॉर डेट सर्विस अपॉन में इंटरेस्ट प्लस इंस्टॉलमेंट, इंटरेस्ट प्लस में इंस्टॉलमेंट। तो देखो दोस्तों आई बात समझ में, तो लेंडर इंटरेस्टेड होते हैं, ठीक है, यहां पर ध्यान रखिए, अर्निंग अवेलेबल फॉर डेट सर्विस अपॉन में इंटरेस्ट प्लस इंस्टॉलमेंट, इंटरेस्ट प्लस इंस्टॉलमेंट। तो देखो अब अर्निंग फॉर डेट सर्विस की अगर बात करोगे तो आप लोगों को तो पता ही होना चाहिए हमें नेट प्रॉफिट कौन सा लेना है, नेट प्रॉफिट हमें लेना है बिफोर पेइंग इंटरेस्ट एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो देखो यहां पे क्या आता है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस लाइक डेप्रिसिएशन एंड अदर अमोर्टाइजेशन। और एक चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, जब भी बैंक आपको टर्म लोन आपको देता है ना, बैंक जब आपको टर्म लोन जब प्रोवाइड करता है, तो ये जो अमोर्टाइजेशन प्लस इंटरेस्ट प्लस अदर एडजस्टमेंट लाइक लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, अब ये लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स क्या है, ये आपका नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, ठीक है, क्या है दोस्तों, ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, तो इसको हमें क्या करना है, एडबैक कर देना है, एडबैक करके फिर हम देखेंगे कि जो प्रॉफिट है वो सबसे पहले इंटरेस्ट को क्या मीट आउट कर पाती है, मतलब इन सबको कंसिडर करने के बाद भी क्या इंटरेस्ट को पे कर पाती है कंपनी, ये हमें देखना है। तो देखो इंटरप्रिटेशन इस रेशियो का देख लीजिए दोस्तों, नॉर्मली डेट सर्विस कवरेज रेशियो 1.5:2 इज सेटिस्फैक्टरी। तो नॉर्मली क्या होता है, जो आपका डेट सर्विस कवरेज रेशियो होता है वो 1.5 से 2 तक बेटर माना जाता है। तो यू में नोट दैट सम टाइम इन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर लीज रेंटल में बी एडेड। और कहीं कहीं पर दोस्तों क्या होता है,
कहीं कहीं पे कंपनी ने अगर लीज ले रखा हो, लीज रेंटल अगर पे कर रही हो कंपनी, तो यहाँ पे ऊपर और नीचे दोनों ही तरफ हम लोग लीज रेंटल भी ऐड कर देते हैं। लेकिन आप लोगों को क्वेश्चन में अगर होगा तो ही आप लोग यूज करोगे, अदरवाइज आपको यूज करने की कोई भी जरूरत नहीं है। और ये लेक्चर कंप्लीट करने के बाद आप लोग इससे रिलेटेड जो भी एमसीक्यू होंगे दोस्तों आप लोग कवर कर लीजिएगा। ये स्कैनर जो है ना स्कैनर के अंदर दे रखा है, सुचिता प्रकाशन का स्कैनर है। फिर देखिए फिर से एक मोस्ट इंपोर्टेंट रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो दोस्तों क्या है, ये आपका ये बताएगा कि कंपनी क्या इंटरेस्ट को पे कर पाने में सक्षम है, क्या आपकी कंपनी इंटरेस्ट को पे कर पाने में सक्षम है, यह आपको देखना होता है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो में। तो देखिए दिस रेशियो ऑल्सो नॉन एज टाइम इंटरेस्ट अर्न्ड रेशियो, तो इसको हम लोग टाइम इंटरेस्ट अर्न्ड रेशियो के नाम से भी जानते हैं। तो देखो इंडिकेट द फर्मेबिलिटी टू मीट द इंटरेस्ट, ये क्या करता है, ये इंडिकेट करता है फर्म की एबिलिटी को टू मीट द इंटरेस्ट एंड अदर फिक्स्ड चार्ज ऑब्लिगेशन एंड अदर फिक्स्ड चार्ज ऑब्लिगेशन। तो देखिए ये आप लोग कैसे निकालते हो, ये आप लोग निकालते हो ईबीआईटी अपॉन में इंटरेस्ट, आप लोग कैसे निकालते हो दोस्तों ईबीआईटी अपॉन में इंटरेस्ट, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन में इंटरेस्ट। इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन देखिए, अगर ये रेशियो हायर है, अगर ये रेशियो आपका हायर है तो इसका मतलब क्या होगा, मीन्स डेट एंटरप्राइज कैन इजिली मीट आउट इट्स इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन इवन इफ अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स सफर अ कंसिडरेबल डिक्लाइन। तो अगर ये रेशियो दोस्तों हायर है तो अगर आपका इंटरेस्ट अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अगर डिक्लाइन फेज में भी जा रहा है तो भी कंपनी आसानी से इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन को मीट कर पाएगी। आगे देखिए लो रेशियो, अगर आप बात करोगे लो रेशियो की दोस्तों, लो रेशियो की अगर बात करोगे तो अगर ये रेशियो लोअर होगा तो इंडिकेट्स क्या करता है, एक्सेसिव यूज ऑफ डेट और इनइफिशियंट ऑपरेशन। तो इसका मतलब ये हुआ कि डेट आपका बहुत ही ज्यादा है, आपका ऑपरेशन को काफी ज्यादा इफेक्ट करेगा, फाइनेंशियल रिस्क आपका इंक्रीज कर देगा। तो दोस्तों ये रहा आपका कुछ इंपोर्टेंट रेशियो। अब यह आता है आपका एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, और यह भी आपके पहले चैप्टर, जो पहला चैप्टर है ना आपका एफएम में, उसी का पार्ट है, ये उसी का पार्ट है। तो देखो हमने अब आपके पहले चैप्टर में प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो का थ्योरी दे रखा है और आपका लिक्विडिटी का भी थ्योरी दे रखा है। तो यहां पे मैंने आप लोगों को बताया वो चीज कवर्ड हो गया, और एक ये आप लोग देख लो इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। तो देखिए दोस्तों इकोनॉमिक वैल्यू एडेड क्या होती है, ये एक एडिशनल स्टेटमेंट होती है। देखो तो वैल्यू एडेड स्टेटमेंट क्या है दोस्तों, ये एक ओल्ड कॉन्सेप्ट है, ये एक ओल्ड कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ओरिजिनेटेड इन यूएस, कहां ओरिजिनेट हुआ था, यूएस में, हाउएवर यूज इन यूरोप, लेकिन यूज कहां हुआ, ये यूरोप में यूज हुआ। इन इंडिया ब्रिटानिया लिमिटेड हैज प्रिपेयर्ड वैल्यू एडेड एज सप्लीमेंट्री पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए वैल्यू एडेड सबसे पहले किसने बनाया, इंडिया में ब्रिटानिया लिमिटेड ने बनाया। तो देखो मीनिंग क्या होता है, वैल्यू एडेड इज वेल्थ और रिपोर्टिंग एंटिटी हैज बीन एबल टू क्रिएट थ्रू कलेक्टिव एफर्ट ऑफ कैपिटल मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉई। तो वैल्यू एडेड क्या होता है, एक वेल्थ होता है जो कि ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करती है थ्रू दी कलेक्टिव एफर्ट ऑफ कैपिटल मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉई। तो देखो इन इकोनॉमिक टर्म वैल्यू एडेड क्या होता है, मार्केट प्राइस ऑफ द आउटपुट ऑफ एंटरप्राइज लेस द प्राइस ऑफ गुड एंड सर्विसेज एक्वायर्ड बाय ट्रांसफर फ्रॉम अदर फर्म। हम कैसे निकालते हैं दोस्तों, मार्केट टर्म में कैसे निकालते हैं, देखो इकोनॉमिक टर्म में कैसे निकालोगे, मार्केट प्राइस ऑफ आउटपुट ऑफ एंटरप्राइज, जो भी आप लोग सेल करोगे उसका मार्केट प्राइस, और इसमें से आप लोग बाहर कर दोगे, क्या बाहर कर दोगे, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज आपने एक्वायर्ड किया होगा अदर फर्म से। तो वैल्यू एडेड कैन प्रोवाइड अ यूजफुल मेजर इन परफॉर्मेंस एंड एक्टिविटी ऑफ द रिपोर्टिंग एंटिटी। तो वैल्यू एडेड क्या करेगा, एक यूजफुल मेजर प्रेजेंट करेगा आपके परफॉर्मेंस ऑफ एक्टिविटी में। तो देखो आप लोगों का जो कंपनी का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होता है वहां पे आप लोग बैलेंस शीट पीएनएल तो आप लोग बनाते ही हो, लेकिन उसके साथ में आजकल जैसे जैसे ये आपका अकाउंटिंग भी तो मॉडर्नाइज हो रहा है ना, तो जैसे जैसे इंडस्ट्री आपका एक्सपेंड हो रहा है, टेक्नोलॉजी आ रही है, बिजनेस भी आप मॉडर्नाइजेशन की तरफ जा रहा है,
तो वैसे वैसे रिपोर्टिंग का क्राइटेरिया भी चेंज होता जा रहा है। तो ये कुछ एडिशनल स्टेटमेंट होती है वैल्यू एडेड, जो कि रेगुलर स्टेटमेंट के सप्लीमेंट्री पार्ट के तौर पे प्रेजेंट की जाती हैं। ठीक है, तो देखिए इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, ध्यान से देखिएगा आप लोग, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। तो देखिए इफ ये डेवलप्ड बाय स्टर्न स्टेवार्ट एंड कंपनी, देखो तो इवीए डेवलप्ड बाय स्टर्न स्टावर्ट एंड कंपनी फाउंडेड इन न्यूयॉर्क इन 1982। इवीए इज प्रॉफिट अर्न बाय फर्म लेस कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग द फर्म। तो ईवीए आपका क्या होता है, ईवीए होता है आपका फर्म के द्वारा अर्न की गई प्रॉफिट, और उसमें से क्या करोगे, कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग को माइनस कर दोगे। तो देखिए वैल्यू क्रिएटेड वेन रिटर्न ऑन दी फर्म इकोनॉमिक कैपिटल एम्प्लॉयड इज ग्रेटर देन दी कॉस्ट ऑफ दैट कैपिटल। तो वैल्यू की सॉरी तो वैल्यू क्रिएट कब होगा, जब कैपिटल एम्प्लॉयड पे रिटर्न कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा होगा। तो देखिए अब फॉर्मूले की बात करते हैं, तो फॉर्मूला में सबसे पहले क्या आता है आपका, ईवीए, ईवी आता है। तो देखिए ईवीए में क्या होता है, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ध्यान से देखिएगा आप लोग, नेट ये आपके पेपर में पक्का पूछेगा ही पूछेगा, एक से दो नंबर में तो पूछ के रहेगा। तो देखो ईवी क्या है, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस में कैपिटल चार्ज। ठीक है दोस्तों, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस में कैपिटल चार्ज। फिर देखो इसको हम लोग ऐसे भी एक्सपेंड कर सकते हैं, नो पैट माइनस में वैक इनटू में कैपिटल एम्प्लॉयड। तो ये आपका वैक क्या है, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये है आपका वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, फिर देखिए अब देखते हैं नो पैट, नो पैट क्या, तो प्रॉफिट डिराइव्ड फ्रॉम ए कंपनी ऑपरेशन आफ्टर कैश टैक्सेस बट बिफोर फाइनेंसिंग कॉस्ट एंड नॉन कैश आइटम। तो देखिए कैपिटल एम्प्लॉयड क्या हो गया आपका, देखो कैपिटल एम्प्लॉयड आप कैसे निकालोगे, अगर एसेट साइड से जाओगे तो नेट एसेट माइनस में करंट लाइबिलिटी, और दूसरी तरफ जाओगे इक्विटी वाले साइड से तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग प्लस इक्विटी। और वैक आपका क्या होता है, मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड टू कंपनसेट इन्वेस्टर डेट एंड इक्विटी फॉर बियरिंग रिस्क। तो देखिए एक एग्जांपल है, इसको आप लोग देख लो। देखो एलएच लिमिटेड प्रोवाइड यू विद दी फॉलोइंग समराइज बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2017। लाइबिलिटी रुपीज, एसेट रुपीज। देखिए शेयर कैपिटल 981.46, रिजर्व एंड सरप्लस 1313.62, ये आ गया आपका 2295.08, लॉन्ग टर्म डेट आपका आ गया 144.44, सिंडिकेटेड 20.39। तो दिस कम्स टू दिस एंड फिक्स्ड एसेट्स, यानी कि नेट, नेट क्या मतलब, डेप्रिसिएशन के बाद याद रखिएगा, और करंट एसेट आपका आ गया 50, या आ गया टोटल। तो देखो क्वेश्चन क्या कहता है, एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इज एज फॉलो। तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इज रुपीज 2202.84 लाख, 2202.84 लाख। तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इंटरेस्ट पेड इज रुपीज 13.48, इंटरेस्ट आपका कितना पे हुआ 13.48 का, टैक्स रेट कितना है आपका दोस्तों 40%, रिस्क फ्री रेट 11.32%, लॉन्ग टर्म मार्केट रेट 12%, और बीटा कंपनी का कितना है 1.62। और बीटा क्या होता है, बीटा होता है आपका सिस्टमेटिक रिस्क, बीटा आपका सिस्टमेटिक रिस्क होता है। तो अभी आप लोग यहां पर टेंशन बिल्कुल भी मत लेना, जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा आपका हर एक डाउट क्लियर होता जाएगा, अभी परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, बस आप लोग क्वेश्चन पर फोकस करो। कॉस्ट ऑफ इक्विटी 12.42%, 12.42%, वैसे तो इस ईवीए को मुझे बाद में बताना चाहिए था लेकिन मैंने इसके साथ में ही बता दिया, चलो कोई बात नहीं। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी 12.42% आपको कॉस्ट ऑफ इक्विटी दिया हुआ है, एंड कॉस्ट ऑफ डेट कितना है
5.6% और कॉस्ट ऑफ डेट भी दे दिया 5.6%, तो यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट इकोनॉमिक वैल्यू एडेड ऑफ एच लिमिटेड। तो देखो नोट वन पे हम क्या निकालेंगे, कैलकुलेशन ऑफ वैक। देखिए सोर्स की अगर बात करोगे तो इक्विटी और लॉन्ग टर्म डेट है, तो ये आपका इक्विटी आ गया और ये आपका डेट आ गया, इसका वेट आप लोगों ने निकाल लिया, दिस डिवाइड बाय दिस एंड दिस डिवाइड बाय दिस। इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इक्विटी आपका आ गया 12.42% और आपका डेट आ गया 5.6%। देखिए आपका वैक आया 11.67 एंड 0.35, ये आ गया आपका 12.02%, 12.02%। देखिए अब बात करोगे आप लोग नो पैट कितना आ गया 2189.36, टैक्स आपने बाहर किया 40% का, ये आपका क्या आ गया पैट आ गया। ऐड आप लोगों ने किया इंटरेस्ट प्लस नेट ऑफ टैक्स। अब आप लोगों ने ये नेट ऑफ टैक्स क्यों किया बता दो, नो पैट का मतलब क्या बोलता है जल्दी बताओ, नो पैट का क्या मतलब है, ये जो इंटरेस्ट जो है हमने इसको माइनस क्यों किया, माइनस क्यों किया, देखो इंटरेस्ट को हमने नेट ऑफ क्यों किया, देखो यहां पे जो बात है ना, देखो बात ये है दोस्तों कि यहां से देखिए, देखिए यहां से जो इंटरेस्ट जो आपका बाहर हुआ है वो पूरा बाहर हुआ पीबीटी, और यहां पे टैक्स आपका बर्डन कितना फेस किया 40%, तब जाके आपका ये पैट आया है, पैट आया। तो देखो अब अगर इस पैट की बात करोगे तो ये तो खाली 60% ही है ना, ये तो खाली 60% ही है, लेकिन टैक्स तो पूरे पीबीटी पे लगेगा, टैक्स तो पूरे पीबीटी पे लगेगा, इसीलिए देखो ये जो इंटरेस्ट है इंटरेस्ट भी तो केवल 60% ही यहां पे प्लस होना चाहिए, अगर पैट आपका 60% है तो इंटरेस्ट भी तो आपका केवल 60% ही यहां पर होना चाहिए, क्योंकि टैक्स थोड़ा ना लगेगा, टैक्स तो पूरे प्रॉफिट में से ही बाहर होगा, इसीलिए यहां पे देखो इंटरेस्ट हम क्या करते हैं इसको भी नेट ऑफ टैक्स कर देते हैं। मतलब कहने का मतलब ये आपका 60% है तो ये भी आपका कितना हो गया 60% हो गया, तो 1 - 0.40 यानी कि 8.09 और ये आपका आ गया 1321.71। तो देखिए ईवी आ गया आपका नो पैट माइनस में वैक इनटू में कैपिटल एम्प्लॉयड, नो पैट माइनस में वैक इनटू में कैपिटल एम्प्लॉयड, तो ये आपका नो पैट आ गया, वैक आपका दिया हुआ था ऊपर, ये कैपिटल एम्प्लॉयड, देखो आप लोगों ने निकाला ना कैपिटल एम्प्लॉयड, यही तो है कैपिटल एम्प्लॉयड आपका, और ये आपका आ गया वैक 12.02 का मल्टीप्लाई किया तो आपका ईवीआ आ गया 1028.48, ये आपका आ गया ईवीए। अब देखो इसमें कुछ कुछ बातें आप लोगों को नहीं दिख रही होगी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ डेट, ये आप लोगों को सोर्स ऑफ फाइनेंस में कवर्ड हो जाएगा, ठीक है वहां पे सारा कुछ कवर्ड हो जाएगा, इसलिए आप लोगों को बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, फिलहाल अभी जितना बताया जा रहा है उतना आप लोग ध्यान रखिए। अब देखिए ये भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ईबीआईटीडीए एनालिसिस, EBITDA analysis, इसका मतलब क्या है, EBITDA का मतलब क्या है, EBITDA का मतलब है earning before interest tax depreciation and amortization, earning before interest tax depreciation and amortization, ये आप लोग यूज क्यों करते हो, used for measuring value of business, used for measuring value of business, ठीक है used for measuring value of business। अब आप लोग बात करोगे कैलकुलेशन की, तो कैलकुलेशन आप लोग कैसे करोगे, देखो नेट इनकम जो नेट प्रॉफिट है आपका उसमें इंटरेस्ट टैक्स और डेप्रिसिएशन आप लोग जोड़ दोगे, प्लस में एमोर्टाइजेशन एक्सपेंस भी जोड़ दोगे, प्लस में क्या ऐड कर दोगे आप लोग, यहाँ पे अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस को भी आप लोग प्लस कर दोगे, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो देखिए तो ये जो होता है ना मेनली, देखो हेयर वी एक्सक्लूड द इम्पैक्ट ऑफ नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी एंड नॉन कैश एक्सपेंस सो डेट ऑपरेटिंग कैश अवेलेबल विद द फर्म कैन बी एनालाइज, जिससे कि क्या हो सके जो भी आपका ऑपरेटिंग कैश है, जो ऑपरेटिंग कैश अवेलेबल है फर्म का वो एनालाइज किया जा सके। तो यहां पे याद रखिएगा नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी और नॉन कैश एक्सपेंस को हम लोग एक्सक्लूड कर देते हैं। तो देखो दिस एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सीइंग द कंपनी स्टेटस टू मीट द डेट चार्जेस, टू मीट द डेट चार्जेस। तो देखो ये एनालिसिस जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, फॉर सीइंग द कंपनी स्टेटस टू मीट द डेट चार्जेस, बैंक वाइल प्रोवाइडिंग सीसी लिमिट
एंड टर्म लोन कंसीडर दिस रेशियो। जब बैंक आपको वर्किंग कैपिटल लोन, सीसी को क्या बोलते हैं, वर्किंग कैपिटल लोन और लॉन्ग टर्म लोन जब आपको देती है बैंक, इस रेशियो को बहुत ही ध्यान से कंपनी देखती है। तो दिस एनालिसिस एलिमिनेट, अब ये एनालिसिस जरूरी क्यों हो जाता है, क्योंकि ये जो ईबीआई टीडीए का जो एनालिसिस होता है ये एलिमिनेट करता है मैनिपुलेशन इन रेवेन्यू एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर बाय क्रिएटिंग अ फेक एंट्री। यहाँ पे लोग क्या करते हैं, फेक एंट्री क्रिएट करके मैनिपुलेट करके ज्यादा प्रॉफिट दिखा देते हैं। तो जब इन चीजों को हम हटा देते हैं तो इसका इम्पैक्ट खत्म हो जाता है। तो देखिए अब देखते हैं हम लोग डेट कवरेज रेशियो। ठीक है, ईबीआई टीडीए आ गया, डेट कवरेज रेशियो कैसे निकालोगे आप लोग, ईबीआई टीडीए अपॉन में डेट। ठीक है, ईबीआई टीडीए अपॉन में डेट, मतलब कहने का मतलब जो बैंक का जो डेट है उसको पे करने की कैपेबिलिटी क्या है ऑर्गेनाइजेशन की। ठीक है, तो यहां पे इंटरेस्ट प्लस में लॉन्ग डेट का मतलब क्या है, यहां पे इंटरेस्ट भी होगा प्लस में लॉन्ग टर्म लोन भी होगा। ठीक है, तो दोस्तों ये है आपका चैप्टर, बेसिक चैप्टर था आपके फिनांस का। ये कहीं इसमें मैक्सिमम चीजें तो कुछ कुछ आपके पहले चैप्टर की बात, जैसे कि ईवीए था आपका, एबीआई टीडीए था, रेशियो थे कुछ इंपॉर्टेंट, ये आपके पहले चैप्टर का लगभग 30-40% पोर्शन कवर हो गया। अब कल के लेक्चर में हम लोग करेंगे लिवरेज, कल के लेक्चर में हम लोग लिवरेज को रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही मैं सिक्वेंस वाइज जिस सिक्वेंस में लेके चल रहा हूं बस आप लोग इसी सिक्वेंस में चलते चलो। ठीक है, और अब आप लोग मिस मत करना, ये लास्ट रिवीजन में करा रहा हूं। देखो मैं रिवीजन तो बहुत पहले ही शुरू कर चुका था लेकिन आप लोगों के लिए मैं इसको दोबारा से करा रहा हूं, तो इसके बाद मैं दोबारा नहीं कराऊंगा और ना आप लोगों के पास टाइम होगा देखने का। तो आप लोग देख लिया आप लोगों ने, अब जाकर के आराम से अपने एमसीक्यू क्वेश्चन को अटेंड करो अच्छे से, और जो भी डाउट आए मेरे टेलीग्राम लिंक पे उस क्वेश्चन का पिक लेकर के, एमसीक्यू के क्वेश्चन का पिक लेकर के आप मेरे को सेंड कर देना और मैं आप लोगों को उसे सोल्व करके दे दूंगा। ठीक है ना, तो ये है दोस्तों आपका ईबीआई टीडीए, ये आपका रेशियो एनालिसिस। ठीक है, और टेलीग्राम का लिंक जो होगा अभी तो आपको पता नहीं होगा, तो मैं इसके डिस्क्रिप्शन में, वीडियो को अभी मैं एडिट करूंगा ना तो इसके डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, वहां से आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वहीं पे मैं इसके नोट्स, ये नोट्स जो आप देख रहे हो डिस्प्ले पे, ये भी शेयर कर दूंगा। प्लस में जो भी क्वेश्चन का आपको डाउट हो उसका पिक लेके जरूर मुझे सेंड करें और शाम तक मैं उसे सोल्व करके आप लोगों तक पहुंचा दूंगा। ठीक है, चलिए फिर तो मैं अपने लेक्चर को दोस्तों खत्म करता हूँ। ओके दोस्तों, अभिनंदन, आभार, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ बने रहने के लिए। आप लोग सेहतमंद रहें, बी स्टे इन होम, स्टे सेफ, और ऑल द बेस्ट फॉर योर फोर्थकमिंग एग्जाम। और मैं आप लोगों के इस एग्जाम के सफर में आपका साथी बन करके आप लोगों को बेस्ट तरीके से रिवीजन करा दूंगा, जिससे कि आप लोगों का एक मार्क्स भी नहीं छूटेगा। ये जो भी नोट्स आपको मिलेगा दोस्तों, यहाँ से एक नंबर भी आपके सिलेबस में बाहर नहीं पूछेगा, बशर्ते अपने माइंड को अलर्ट करके रखना। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर।